हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज फिर से केस स्टडी ऑन न्यूरोलॉजी। मैं आप लोग को दो केस स्टडी ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये तीसरा केस स्टडी है। आज मैंने बड़ा डिफिकल्ट नंबर लिया है, जिसको न्यूरोलॉजिस्ट लॉजी में बहुत ही डिफिकल्ट मतलब कठिन नंबर समझा जाता है। साइकी नंबर वन, जिसको ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, और मूलांक शब्द हिंदी में बहुत सिंपल, और डेस्टिनी नंबर सिक्स, डेस्टिनी या लाइफ पाथ नंबर बोलिए। अगर वो ड्राइवर हुआ तो ये कंडक्टर नंबर हो गया। अब बहुत सब नाम है इसका, डेस्टिनी नंबर को फैडिक नंबर भी बोलते हैं, है ना। और सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना हो तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखा है, एग्जांपल के लिए लिया है, है ना। 10 इसको मूलांक कहते हैं, ये महीने का जुलाई है, मसांक कहते हैं इसको। और सबको जोड़ दीजिएगा एक साथ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ईयर के साथ, तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, मूलांक मसांक प्लस ईयर, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो जो नंबर आया वो भाग्यांक होता है, मतलब लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो मान लीजिए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या होता है। बहुत हिंदी में याद रखने के लिए बड़ा आसान है, मूलांक मसांक और भाग्यांक, छः नंबर जो है भाग्यांक है। 33 नंबर वैसे तो ये मास्टर नंबर है, इसको रिड्यूस नहीं किया जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने रिड्यूस किया कि 3 + 3 = 6 होता है, और 1 + 0 = 1 होता है। तो ये आपका साइकी नंबर हुआ, जिसको ड्राइवर नंबर कहते हैं, कोई लोग क्वीन बोलते हैं, कुछ किंग बोलते हैं, बहुत सब नाम है इनका, ना मैंने बताया है वीडियो में, उस वीडियो को देखिएगा, 6-7 नाम से इनको जाना जाता है। तो आज मैंने मान लिया किसी भी व्यक्ति का साइकी नंबर 1 हो, अगर मान लीजिए ये 1 है ना और ये 6, बहुत टफ नंबर है, क्योंकि 1 सूर्यदेव का नंबर है और 6 वीनस का नंबर है। नॉट ओनली दिस, 6 जो है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी नंबर है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, फिर सन और वीनस में बिल्कुल पलटनी नहीं पड़ता, दोनों एनिमी है एक्चुअली दूसरे का, है ना, क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिन होता है। एक नंबर सूर्यदेव का जो नंबर है वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, और वीनस जो होता है लग्जरी लाइफ स्टाइल, कम्फर्ट, काम, वासना, ये सब चीज़ों से रिलेटेड होता है बेसिकली, है ना, सुंदरता, ब्यूटी, ये सब से। इसकी वजह से आपस में बिल्कुल इनकी पटरी नहीं बैठती, न्यूमरोलॉजी में भी नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब ऐसा नंबर किसी का अगर है ना डेट ऑफ बर्थ में आ गया तो उसको किस तरह से अपना नया नंबर रखना होगा, क्योंकि आप लोग को मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि न्यूमरोलॉजी में स्पेशली, है ना, जो डेट अगर साइकी नंबर जो है, साइकी नंबर के बेस पे ही नेम नंबर रखा जाता है, क्योंकि साइकी नंबर जो है 0 ईयर से टिल डेथ काम आता है, ये जिंदगी भर काम आता है, क्योंकि आप जो अपना जन्मदिन मनाते हो ना, है ना, हैप्पी बर्थडे, वो साइकी नंबर पे मनाते हो, आप कभी डेस्टिनी नंबर पे नहीं मनाते हो, ये बात हमेशा मालूम है आप लोग सबको पता है। आपको ये चीज समझाने के पहले मैं आपको बता दूं, है ना, रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट का मतलब, ऑकल्ट साइंस का मतलब गुप्त विज्ञान। अगर साइंस की जगह मैं यहाँ नॉलेज डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, गुप्त नॉलेज। तो ये गुप्त नॉलेज क्या है, गुप्त विज्ञान क्या है, ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड, इसमें बहुत सारी एनर्जीज दौड़ते रहती है, चाहे ऊपर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, है ना। तो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर आज से 10,000 साल पहले जो उन्होंने अपना रिसर्च किया, उस रिसर्च के बेस पे उन्होंने ऑब्जर्व किया और फाइंड आउट किया कि, है ना, जो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी बोल लीजिए, स्पिरिचुअल एनर्जी बोल लीजिए, बहुत सब नाम है, है ना, उसको कैसे कैद किया जाए, उसको पकड़ा जाए, उसके हिसाब से तो उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज किया जाए, और ब्रह्मांड में उस एनर्जी का वाइब्रेशन करवा के आपकी जिंदगी को सुखमय बनाया जाए। मैं पहले से कहता रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट साइको एनालिसिस एंड नंबर गेम, जो कि परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी का ये 5 रूल मैं हमेशा भूल जाता हूँ, 5ों का 5ों बोलना वीडियो में, मैं हमेशा कभी 3 बोलता हूँ, कभी 2 बोलता हूँ, आज मैंने जान मुझकर लिख कर रखा है। ये बताना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट हो या एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, जो भी हो, अगर उसके उसने लॉजिक दिया है सही तो फिर मैजिक है, अगर लॉजिक सही नहीं है तो मैजिक नहीं है। किसी भी चीज़ के पीछे लॉजिक, आज मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, मेरा पूरा वीडियो देख लो, 350 से ऊपर वीडियो है मेरे अपेक्षा एजुकेशन के ऊपर, उसमें एक भी वीडियो में अगर लॉजिक नहीं हो तो उस वीडियो को आप बताना मुझे फीडबैक पे, क्योंकि लॉजिक है तो मैजिक है, मतलब लॉजिक है तो वो सही है, अदरवाइज वो मैजिक नहीं है। पहला रूल। दूसरा, हम कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर जो भी हो, टैरो कार्ड रीडर, हम गॉड मैजिशियन नहीं है। अगर कोई अपने आप को भगवान समझता है तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। अगर वो भगवान होता तो फिर अपना खुद का डेस्टिनी चेंज करके, नेम नंबर चेंज करके खुद किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाता, इंडिया के प्रधानमंत्री बन जाता, या चीफ मिनिस्टर बन जाता, या कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रिडिक्शन का सही होना वो परमोटेशन कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। आज मैं 8 साल से प्रिडिक्शन कर रहा था ऑफलाइन, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के बीच में, सब सही हो रहा है,
वेरी सिंपल। मैंने कभी फेसबुक पर नहीं डाला, कभी मैंने लिंक्डइन पर नहीं डाला, लेकिन जो लोग इसको प्रोफेशन बना कर रखें, क्योंकि हम लोग जब नौकरी करते हैं किसी के लिए ना, तो हम फिर ये काम नहीं कर सकते ओपनली, फिर आपको वो काम इंटरनली करना होगा। लेकिन अब मैं किसी के लिए भी फिलहाल काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना स्कूल चलाता था इतने दिनों से, है ना, स्कूल के लिए काम कर रहा था टू बी वेरी फ्रेंक। अब मान लीजिए मैं फिर से किसी के लिए काम करने लगूंगा, मुझे फिर ये छोड़ना पड़ जाएगा ऑनलाइन, है ना। क्योंकि आप किसी के लिए जब फुल टाइम काम करते हैं तो आप ये काम फिर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम गॉड मैजिशियन नहीं है, और ये सब परमोटेशन कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। तीसरा टूल 80-20, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरोट कार्ड रीडिंग हो, वास्तु, व्हाटएवर, केमिस्ट्री हो, सब 80-20 रूल पे काम करता है, जिसको पैरेटो रूल कहते हैं मैनेजमेंट में, कि 80% करेक्ट होगा, 20% एरर की संभावना हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। अगर नहीं रहेगा एरर तो हम तो गॉड हो गए, भगवान हो गए, मैजिशियन हो गए, जादूगर हो गए, है ना। चौथा रूल मेडिसिन शॉप, मेडिसिन शॉप मैंने इसलिए लिखा है कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख के आप ये सोचते हो कि आप न्यूमरोलॉजी सीख गए, एस्ट्रोलॉजी सीख गए, तो आपको बता दें यूट्यूब पे जो वीडियो है वो मेडिसिन शॉप, दवाई दुकान में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते हैं। क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर जो है ना, एक डॉक्टर की तरह है, जिस तरह से आप डॉक्टर के पास अपने बीमारी के इलाज के लिए बीमारी होने के बाद जाते हैं, डॉक्टर जितना बड़ा बीमारी उसके हिसाब से इलाज करके देता है, दवाई खाने देता है, जहाँ इंजेक्शन की जरूरत होती है वहाँ इंजेक्शन देता है, जहाँ टैबलेट की जरूरत है टैबलेट देता है, जहाँ सर्जरी की जरूरत है सर्जरी देता है, उसी तरह से हम न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर भी उसी तरह से आपको उपाय बताते हैं, वो उपाय आपको करना है, है ना। अच्छा, सुबह शाम दोपहर जो भी बोले आपको करने के लिए वो करना होता है, तभी वो फलित होता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फाइंड ऑनेस्ट ऑकल्ट मास्टर, आपको ये गुप्त ज्ञान या गुप्त विज्ञान बताने वाला एक ऐसा परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर चाहिए जो ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। मेरा पूरा 20 साल बर्बाद कर दिया एस्ट्रोलॉजर लोगों ने, फालतू फालतू अंगूठी बना बना के, उनको इतना समझ में नहीं आया कि मेरा डेस्टिनी नंबर 33 अस्त है। बस यहीं पे न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा एक ही पॉइंट पर न्यूमरोलॉजी नहीं बता पाता है कि किसका अस्त है, किसका कारक ग्रह है, मारक ग्रह है, नीच का है, ऊंच का है, अगर एक नंबर है तो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, बस न्यूमरोलॉजी यहीं पे एक चीज नहीं बता पाता है। अदरवाइज मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आपको सब कुछ बता सकता हूँ, पूरा आपका भाग्य चेंज कर सकता हूँ। आज मैंने अपना नाम 24 साल पहले करेक्ट करके रखा था, कैल्विन सिस्टम के हिसाब से मुझे इतना फलित हुआ, उसी की वजह से आज मुझे 10 लाख बच्चे जानते हैं, जो भी अप्स डाउन्स रहा लाइफ में, लेकिन हमेशा मैं फिर से उभर के आ जाता हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ नेम करेक्शन, है ना। क्योंकि मेरा डेस्टिनी नंबर तो अस्त है, इसका उपाय उन्होंने जो भी बताया एस्ट्रोलॉजी ने सब गलत बताया, तो 20 साल तक सब गलत रहा, कभी वो उदय हुआ ही नहीं उसका, वो अस्थि रह गया। नहीं तो 33 नंबर जिसका होता है कुबेर महाराज का नंबर है, है ना, आज लक्ष्मी माँ का नंबर है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। बट अनफॉर्चुनेटली 6 नंबर डेस्टिनी नंबर अनलकी नंबर होता है, ये भी एट द सेम टाइम है, तो आपको जो साइकी नंबर उसके हिसाब से काम करना होता है, है ना। बहुत सब चीज है न्यूमरोलॉजी, पूरा ज्ञान चाहिए। हम लोग 24-25 साल में 26 साल में 50 बुक पढ़ चुके हैं, तब जाके निचोड़ लेके आए, और उस निचोड़ के बेस पर अब जाके मैं ऑनलाइन आया हूँ। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब देखते हैं कितना दिन ऑनलाइन में आप लोग को बता पाता हूँ, क्योंकि कहीं फिर ज्वाइन कर लिए तो फिर ये छूट जाएगा, ऑनलाइन पर छूट जाएगा, नहीं बता पाएंगे आप लोगों को, लेकिन जब तक कर सकते हैं करके बताते हैं आपको, चलिए ठीक है। ये 5 रूल नहीं भूलना है, और आप लोगों को ईमानदार एस्ट्रोलॉजर लेडी एस्ट्रोलॉजर का नाम डिटेल दिया हुआ है। मैं खुद अब आप लोग को एक साल में नेम करेक्शन फ्री में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका हूँ, अब मैं पेड सर्विसेज दे रहा हूँ, उसका रीजन मैं आप लोग को बहुत सारी वीडियो बता चुका हूँ, बार बार एक ही चीज़ बता के आपको बोर नहीं करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दिया हुआ है, चीप एंड बेस्ट सर्विसेज है हम दोनों की तरफ से, आचार्य जी की तरफ से, मेरे तरफ से। और अगर आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके कहीं भी अगर मिलता है तो ईमानदार आदमी ढूंढना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑनेस्ट आदमी ढूंढना है, सीधा साधा नहीं। ऑनेस्ट होना अलग चीज़ है, सीधा साधा होना अलग चीज़ है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए बताते हैं कि इस नंबर को आप कैसे करोगे, 1 नंबर 6 नंबर, पूरा वीडियो देखो, स्किप नहीं करना, आधा ज्ञान नहीं लेना, नहीं तो लिटिल लर्निंग इज ए वेरी डेंजरस थिंग एंड एन एम्प्टी वेसल साउंड्स टू मच। आधा घड़ा जो भरा होता है ना पानी से, वो रास्ते पर छलकते हुए जाता है, लोगों को बताते जाता है कि मैं भरी हुई हूँ, है ना, दैट इज वेरी डेंजरस, इसलिए ऐसा नहीं करना। तो साइकी नंबर जो है 0 ईयर्स, बच्चा पैदा हुआ टिल डेथ, जब तक वो मरेगा नहीं, साइकी नंबर अगर लकी है जीवन भर यही काम आता है एक्चुअली, क्योंकि डेस्टिनी नंबर जो है 40 साल के बाद एक्टिव होता है, ये भागवत गीता में लिखा हुआ है, आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, हम तो 5 बार पढ़ चुके हैं,
पांचवी बार जब पढ़े तब पता चला उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। उसमें कृष्णा ने, लॉर्ड कृष्णा ने, हमारे कृष्णा ने एकदम क्लियर कहा है। सारे पाक ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, चाहे वो पाक भागवत गीता हो, पाक कुरान हो, पाक बाइबिल हो, पाक हमारा गुरु ग्रंथ साहब का हो, है ना, कि परफॉर्म योर ड्यूटीज, अपना ड्यूटी करो, गिव मी रिजल्ट्स, उसका रिजल्ट दो हमको, ड्यूटी जो उसका रिजल्ट आना चाहिए, देन आई विल गिव यू रिवॉर्ड। लेकिन लोग क्या है, भगवत गीता का वो मीनिंग निकालते, कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, ऐसा लॉर्ड कृष्णा ने कहा। लॉर्ड कृष्णा ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है, उसका मीनिंग समझो आप, उसने क्या कहा। बिना रिजल्ट के कौन रिवॉर्ड देता है, बिना रिजल्ट, बिना पास के कोई एग्जाम कौन नौकरी देगा आपको, जरा हम सुने। तो ये चीज समझना है, यही न्यूमरोलॉजी का कॉस्मिक वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं ना, ऑकल्ट साइंस, गुप्त विज्ञान, इसी गुप्त विज्ञान को समझना है। और ये पांच रूल को कभी नहीं भूलना है, मैं ये हर वीडियो में रखूंगा, इसको मिटाऊंगा ही कि ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग बार बार पूछते रहते हैं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, एक महीना हो गया, दो महीना हो गया। तो आज आपको वो भी बताऊंगा कि नंबर के हिसाब से कैसे वर्क करता है कोई भी चीज उपाय, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो साइकी नंबर, इसलिए मैं हमेशा करता हूँ न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजर भी करते हैं ऐसा एक्चुअली, लेकिन वो बताते नहीं है इस बात को, कि मैं खुल के बता रहा हूँ आप लोगों को, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइकी नंबर के हिसाब से रखा जाता है ये आपका नेम नंबर, जो कि जिंदगी भर आपको फलित होगा। और साइकी नंबर होना चाहिए लकी नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अनफॉर्चुनेटली एक जो है ये साइकी नंबर जो है ये अनलकी होता है, UL, ये भी अनलकी होता है, ये भी अनलकी होता है, ये लीजिए। अब एक छह नंबर वाला दोनों ही अनलकी हो गया, आप क्या करोगे, फंस गए बुरी तरह से। अब आप कोई उपाय है आपके सामने, आप बताओ, कोई भी न्यूमरोलॉजी, बस यहीं पे जरूरत होती है हम लोगों के न्यूमरोलॉजिस्ट की और एस्ट्रोलॉजर की। क्योंकि अगर आपने अपना दिमाग लगाया और अपना कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा किया, है ना, अपना आधा वीडियो देख के, पूरा वीडियो देखकर, आज जो मैं बताने वाला हूँ वो कोई न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर ने अभी तक 100,000 वीडियो से ज्यादा होगा यूट्यूब जाकर देख लो नहीं बताया होगा, जो कि आज मैं इसके द्वारा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। साइकी नंबर अगर लकी है तो जीवन भर काम आता है, 0 ईयर से बच्चा जन्म लिया तब से लेकर डेथ तक। और अगर डेस्टिनी नंबर लकी है, 40 साल के बाद वो फलित होता है एज पर भागवत गीता, ठीक है, क्लियर कट। और 35 to 40 years ये बहुत स्ट्रगलिंग फेज होता है सबके लाइफ में, चाहे साइकी नंबर लकी हो चाहे डेस्टिनी नंबर लकी हो, उसके बाद भी ये पीरियड अगर निकल गया तो समझो उसके बाद आप बच गए। अगर आपका कोई भी एक नंबर लकी होना चाहिए और दोनों हुआ तो सोने पे सुहागा, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अब इस नंबर के लिए 1 और 6 का आप लोग अगर न्यूमरोलॉजी जानते हो, एस्ट्रोलॉजी जानते हो, तो आपको पता होगा, है ना, कि बहुत सारा हम लोग फ्रेंडली नंबर निकालते हैं, न्यूट्रल नंबर निकालते हैं, एनएमी नंबर निकालते हैं, उन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा, मतलब वीडियो हो जाएगा 40-50 मिनट का, है ना, अननेसेसरी उसमें नहीं जाएंगे। सीधा हमको ये देखना है, चूंकि अब दोनों ही अनलकी नंबर है, तब इन लोगों को लकी कैसे बनाया जाए। तो नेचुरली 35 to 40, अगर आप 35 साल से पहले हो, है ना, तो इसके लिए 3, 5, 9 ही नंबर है जो कि आप आपका अपना नाम रख सकते हो। अब इन तीनों नंबर में सबसे बेस्ट नंबर कौन सा है, अगर 35 साल से पहले हो तो आप 3 नंबर पर रखोगे किसी भी कीमत पे। और 3 नंबर का मतलब होता है 21 पे और 30 पे अपना नाम आना चाहिए आपका। अगर मान लो बहुत बड़ा नाम है तो और इसमें +9 जोड़ते चले जाओगे तो 39 पे आएगा, वेरी सिंपल। फिर 9 जोड़ोगे उसके अपन 48 पे आएगा। लेकिन कोशिश करना 21-30 पे नाम, पहला नाम, फर्स्ट नेम, और एक ही नाम हमेशा। अगर आपका आपका जो हो गया हो गया, अगर बहुत उम्र है आपका मान लीजिए, लेकिन अगर बेबी है, छोटा बच्चा है आपके पास, उसको एक ही नाम से पुकारें, वही नाम फलित होना चाहिए। नहीं तो किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं तो दोनों नाम फिर मैच कराना पड़ेगा आपको न्यूमरोलॉजी नंबर से। नहीं तो एक नाम कुछ और रहेगा, मान ली 1 पे रहा, दूसरा 6 पे रहा, दोनों इतना क्लैश करेगा कि बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएगा, उसको पढ़ने लिखने मन नहीं लगेगा, टू वेरी फ्रेंक, ना खेलने में मन लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपसे झगड़ा करेगा, हर बात पर गुस्सा करेगा, सामान उठा कर फेंकेगा। ये उसी वजह से होता है जब नंबर मैच नहीं करते। तो अगर आपका 35 से नीचे है तो आप 3 नंबर पर रखोगे। 5 नंबर न्यूट्रल नंबर है, है ना, 1 का भी और 6 का भी। न्यूट्रल नंबर का मतलब होता है जो ना बेनिफिट देता है ना लॉस देता है, ऐसा नंबर रखने का फायदा क्या, कोई फायदा नहीं, वेरी सिंपल। और 9 नंबर एज अ डेस्टिनी नंबर बहुत लकी होता है,
आप ऑलरेडी अगर आप 40 साल के हो गए हो तो अब आप 1 साल में वेट नहीं कर पाओगे। अगर ऑलरेडी आप अप्स एंड डाउन झेल चुके हो जिंदगी में, है ना, इस नंबर की वजह से आप 40 साल पहुंच चुके हो, तो आप 1 साल भी अब आप नहीं झेल पाओगे। इसीलिए आपको एकदम फायरी नंबर चाहिए, रखे नाम और एकदम सट से आपको एकदम, है ना, प्रभाव डालेगा, इफेक्ट डालेगा और आपका भाग्योदय होगा जबरदस्त। तो अगर 40 साल और उससे ऊपर हो, है ना, तो आपको 9 नंबर पे अपना नाम लेके जाना है। अगर जो भी नाम अभी नंबर पे है उसको ठीक करके खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, जानकारी है, नहीं तो वीडियो देखो, वीडियो देख के करो, नहीं तो हम लोग फिर अवेलेबल है, नहीं तो आपके शहर में कोई है उससे करवा लो, है ना। और 9 नंबर का मतलब है 27, सबसे लकी नंबर, इसमें 9 जोड़ो, 36, 45, इस तरह से 9 जोड़ते चले जाओगे, ये तीनों नंबर पे आपका नाम का टोटल आना चाहिए किसी भी कीमत पे। ये तीनों सबसे ज़्यादा लकी नंबर है। अब मैंने पहले ही कहा है कोई भी नंबर लकी अनलकी इसलिए होता है कि जिसका रिजल्ट जल्दी आता है वो लकी हुआ, जिसका रिजल्ट देरी से आता वो अनलकी हुआ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम 2, 7, 4, 8 पे क्यों नहीं रख सकते हैं। मैं बहुत सारे वीडियो बता चुका हूँ कि 2, 7, 4, 8 रिजल्ट डिले होता है, लेकिन किस जगह पे ये रिजल्ट जल्दी देता है वो फिर हम बाद में बताएंगे, जब हम केस स्टडी के माध्यम से बताएंगे कहाँ पे वो नंबर, जब 2 नंबर साइकी नंबर के रूप में होगा, अगर लकी नंबर हुआ, 7 नंबर डेस्टिनी के रूप में लकी हुआ, तब वो रिजल्ट जल्दी देता है, नहीं तो ऐसे वो रिजल्ट देरी से देता है। इसलिए इन नंबरों पर नाम नहीं रखा जाता है ना। तो नाम के लिए अब अगर 35 साल से कम हो तो 3 पर रखोगे, मतलब 21-30 पे उसका फिर जो भी जोड़, लेकिन कोशिश करो 21-30 पे, कहकर 39 फिर से गड़बड़ कर देता है ना, ये ध्यान रखना। और अगर 40 साल 41 साल के हो तो आपको ये करना है। आप मुझसे ये पूछोगे कि सर 35 से 40 के बीच मेरा एज है, मैं 3 पे क्यों नहीं रख सकता हूँ। बिल्कुल रख सकते हो 3 पे, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ कि नंबर का जो वाइब्रेशन है वो कैसे काम करता है। मान लो आपने 1 नंबर पर रखा, तो ये मिनिमम 1 मंथ है ना, मैक्सिमम 1 ईयर समय लेगा वाइब्रेट होने में, क्योंकि जब आपका नाम ऑलरेडी बिगड़ चुका है या बिगड़े हुए नाम पे आप काम कर रहे हो इतने दिनों से। लेकिन यही अगर बच्चा रखेगा, है ना, अगर बेबी का नाम रख दिए तो वो 1 महीने से मैक्सिमम 1 साल के अंदर, और आपको भी किसी भी नेम नंबर को 1 है तो 1 साल मैक्सिमम, 2 है तो 2 साल, मतलब 2 months 2 years, 3 है मिनिमम 3 months 3 years, जैसे 3 पर रखे हैं, 35 से 40 साल की बीच की उम्र है आपको, तो मिनिमम 3 months लगेगा वाइब्रेट होने में और मैक्सिमम 3 years भी जा सकता है। इसीलिए 35 से 40 का मैंने ये एज ग्रुप लिया है कि आप 37 के भी तब भी आपको वेट कर सकते हो, क्योंकि 40 के बाद यही 3 नंबर छप्पड़ फाड़ का नंबर देगा। इसके बावजूद कि 6 या 3 आपस में दोनों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, 3 जो है देवताओं के गुरु हैं और 6 जो है दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन दोनों में वाइब्रेशन डेस्टिनी नंबर जो होता है, जो कि 40 के बाद वो प्रभाव डालता है, एक्टिव होता है, तो दोनों गुरु में फिर दोस्ती हो जाती है, है ना। 2 विद्वान, 2 प्रधानमंत्री, 2 प्रेसिडेंट कितना दिन तक अलग अलग रहेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना, ओपिनियन मतलब उसको बोलते हैं मतभेद, मनभेद नहीं होता है। और जब दोनों मिलके दोनों में ये होल्ड लग जाता है कि कौन सबसे ज्यादा आशीर्वाद देगा, फिर तो समझ लीजिए छप्पड़ फाड़ के मिलेगा सब कुछ। इसीलिए 3 नंबर एज ए साइकी नंबर लकी नंबर होता है, 9 नंबर एज ए डेस्टिनी नंबर लकी नंबर होता है। तो इसलिए 40 साल अगर हो गया है तो 9 पर रखोगे आप, और अगर आपका 35 से नीचे हो तो 3 पर रखोगे, अगर 35 से 40 के बीच भी हो तो 3, 5, 9 किसी भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 5 तो एकदम न्यूट्रल है, इसको तो नहीं रखो तो अच्छा है, तो 3 या 9 बचा आपके पास चॉइस, उसमें किसी भी रखो। आप 3 साल वेट कर सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम 3 months, ये सब आप अब तो आपको 3 महीने के अंदर समझ में आने लगेगा आपका नंबर जैसे रखोगे वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन मुश्किल क्या है कि 21 पे लाना 30 पे लाना बड़ा दिक्कत है, किसी का नाम इतना छोटा नहीं होता पुराना, लेकिन 9 पे ला सकते हो तो 27, 36, 45 तक नाम आ ही जाता है ऑलमोस्ट लोगों का। लेकिन फर्स्ट नेम कोशिश करो, एकदम लकी होना चाहिए और एक ही नाम यूज करना है, चाहे 21 पे हो चाहे 27 पे हो, इसमें तो 21-30 और इसमें 3 नंबर, तो 3 और 9 पे आपको हर हालत में करना है। फिर से रिपीट कर दूं, अगर 40 साल हो चुका तो सिर्फ 9 पे करोगे बस, ठीक है, क्योंकि 1 का 9 नंबर फेवरेबल नंबर, 6 का भी 9 हार्मोनियस नंबर फेवरेबल नंबर, जी हाँ, न्यूट्रल होने के बाद भी चूंकि ये गुरु हैं
इसीलिए। और क्यों गुरु के साथ साथ दो नंबर मार्स हुआ, कहा जाता है ना कहावत, मैन मतलब जेंट्स जो हम लोग हैं, मैन आर फ्रॉम मार्स, हम लोग मंगल ग्रह से हैं, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, तो छह नंबर वीनस, इसलिए इन दोनों का बहुत अच्छा हारमोनियस रिलेशन होता है। यही लॉजिक है इसके पीछे, और कोई लॉजिक नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट केस स्टडी न्यूमरोलॉजी, साइकी नंबर वन और साइकी नंबर सिक्स। इस पे करोगे तो जीवन सुख में रहेगा, तीन और नौ नंबर पे। 40 साल का हो गया तो 9 नंबर पे कर लो, और उससे पहले हो 35 साल से नीचे हो 3 नंबर पे करो, इसका समय लगेगा इसको, क्योंकि ये 3 नंबर 6 नंबर 3 साल तक आपस में एक दूसरे को बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करता है, इसकी वजह से समय लगेगा, क्योंकि ये देवताओं के गुरु है और ये दैत्यों के गुरु है। ऊपर से वो वीनस भी है, जुपिटर है ये, वो वीनस है, दोनों में फर्क होगा थोड़ा सा, है ना, समय लगता है थोड़ा सा बस, लेकिन 3 महीना मिनिमम है, अगर बर्दाश्त कर लिए फिर सोचना नहीं है, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि एक का भी 3 सबसे फेवरेबल नंबर है, है ना, 2 3 9, तो 1 को 9 भी सूट करेगा, 6 को भी 9 सूट करेगा, जो मैंने लॉजिक बता दिया। इसलिए सिर्फ 3 और 9 पे करना, 5 पे नहीं करना, क्योंकि न्यूट्रल नंबर आपको ना बेनिफिट देता है ना लॉस देता है, कोई फायदा नहीं है वैसे नंबर पे ले जाने का, है ना, जो आपको ना बेनिफिट देगा, क्योंकि बेनिफिट के लिए आप काम करेंगे ना, तो नेम नंबर आपका 3 और 9 पे रखना है। दिस इज द आंसर। ओके देन, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और फीडबैक देना नहीं भूलिए, उससे मनोबल बढ़ता है और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। नेक्स्ट सीरीज में आपको सारा डिफिकल्ट डिफिकल्ट नंबर का आप लोगों को देंगे बना बना के, जैसे कि आप लोग खुद अपने से पढ़ के समझो, है ना, अध्ययन करो, सारा वीडियो देखो, खाली मेरा ही नहीं सब लोगों का देखो, और लॉजिक है तो मैजिक है, लॉजिक देखो सही बताया कि नहीं बताया, अगर लॉजिक सही है तो समझो सही। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, दैट।